नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। देखिए, काउंसलिंग कॉल लेटर आपका आ गया है, ठीक है, आ गया, मैक्सिमम लोगों का आ ही गया है लगभग, ठीक है। तो अब आपने बहुत सारे कमेंट क्वेरी किए जो आपने पूछा हमसे, और कुछ कॉमन थे जो बहुत जरूरी थे, तो हमने उन सवालों को इकट्ठा किया और सोचा इस वीडियो के माध्यम से उन सवालों के जवाब दे, ठीक है। ये वीडियो जो भी बच्चे काउंसलिंग कराना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने ये सवाल न पूछा हो, पर आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा, इसीलिए जो बच्चे जितने भी कॉमन क्वेश्चन थे लगभग इंपॉर्टेंट, उनको हमने छाटा और इस वीडियो में लाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, और जो भी बच्चे काउंसलिंग करा रहे हैं बीएचयू एंट्रेंस की, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा कि क्या सर फीस काउंसलिंग के समय ही जमा हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोगों ने खुद काउंसलिंग कराया, हम अभी भी बीएचयू के एनरोल्ड स्टूडेंट है, तो हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो और लोग बताते हैं वो ऐसे ही नेट से कहीं से गूगल से पता करके बताते हैं, पर हम अभी एनरोल्ड है बीएचयू में, तो हमें ज्यादा उसकी आइडिया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि फीस जो जमा होती है काउंसलिंग का, आप जाएंगे जिस दिन काउंसलिंग कराएंगे, आप जब घर आएंगे शाम तक या अगले दिन तक, आपको आपके काउंसलिंग पोर्टल पे आ जाता है कि आपको कोर्स मिला है या नहीं, तब आपकी फीस जमा करने की 24 घंटे टाइम दिया जाता है। और क्या वहीं जमा करना है? नहीं, आप अपने घर बैठे ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं फीस को, आप वहां भी जाके चालान के थ्रू जमा कर सकते हैं, आप ऑनलाइन यहां से भी पे कर सकते हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है माइग्रेशन को लेके, माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेके, सर क्या मुझे चाहिए, यूपी बोर्ड का मैं हूं, क्या सर बाद में दे तो नहीं चलेगा? देखिए, पहली बात, आप किसी भी बोर्ड से हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। और अगर आप नहीं लाते हैं तो कोई बात नहीं है, बीएचयू के एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है आपसे अंडरटेकिंग भरवाते हैं, वो आपको बाद में जमा करना होता है 30 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर, लेकिन आपको लाना मस्ट है ओरिजिनल में, ठीक है। आप कोशिश करिए ओरिजिनल में लाने की इसको। तीसरा जो है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर डाउट आ रहा है बहुत बच्चों का, कह रहे सर मेरा ड्रॉप आउट है, क्या मैं डीएम से, एसडीएम से, मैं प्रधान से किससे अपना कैरेक्टर बनाऊंगा? बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, भले आपका गैप है या कुछ भी है, आपका स्कूल से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका वैलिड है, ठीक है। नहीं मिला तो आप अपने स्कूल से जाइए, आपकी और कुछ फीस होगी, उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाइए, वही वैलिड है, ठीक है, उसी से काम हो जाएगा। बात और जो बच्चे पूछ रहे हैं, जैसे बीए आर्ट्स और सोशल का कॉमन एग्जाम होता है, ठीक है, तो पूछ रहे हैं बच्चे, सर मैंने बीए आर्ट्स का एग्जाम पेपर मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो क्या मैं सोशल में भी चाहूं तो एडमिशन ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं, इसीलिए बीएचयू ने कॉमन एग्जाम करवाया था, फॉर्म आपसे दो भरवाए थे, मतलब दो बार पैसे लिए थे आपसे, ताकि अगर आप उस समय एनरोल्ड नहीं है सोशल में तो अभी आपको नहीं देगा। कोई भी कॉमन एग्जाम में अगर आप क्या बोलते हैं एक ही कोर्स में के लिए पे किए हैं तो उसी कोर्स के थ्रू बस आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, बोले सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स क्या करें, हमारे पास तो अभी रिजल्ट ही नहीं आई है। देखिए, सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट जिनकी रिजल्ट नहीं आई है, आपका पुराना रिजल्ट होगा पहली बात, ठीक है, जिसमें आपका जो भी होगा कंपार्टमेंट होगा या कुछ भी होगा, आप उसे लेके आइएगा पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, आप कंपार्टमेंट सीबीएसई का दिया तो आप एडमिट कार्ड उसका लेके आइएगा ओरिजिनल, ठीक है। आप यहां आएंगे तो यहां पे आप अंडरटेकिंग इनवॉइस देके हो जाएगा, ठीक है, बट आपको कंपार्टमेंट के लिए पुराना रिजल्ट आपको लाना है, ठीक है, एडमिट कार्ड अपना लाना सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट वाला, और उसके बाद आपका लगभग आप रिजल्ट आने शुरू हो गए होंगे सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के पास भी, तो वो लोग अपना ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे और यहाँ एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाते हैं कि 30 दिन के अंदर सर मैं दे दूंगा, नहीं मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए, तो वो फॉर्म भर के आप एडमिशन यहाँ ले सकते हैं निश्चित रहे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अभी तक पूछा गया है, और हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि हमारे क्लासरूम स्टूडेंट बीए आर्ट्स प्लस सोशल में अंकित ने टॉप किया, फर्स्ट रैंक लाया, और भी कोर्सेज में हमारे बहुत अच्छे स्कोर रहे बच्चों के। अभी आपको हम रिजल्ट जारी करेंगे कितने बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए, कितने क्या क्या रैंक से आए हैं, ठीक है। तो बच्चे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कॉमेंट कर रहे हैं कि सर आप कोर्स हमें बीएससी मैथ में एडमिशन लेना है, सर हमें बीए आर्ट्स में एडमिशन लेना है, कोर्स कब चालू होगा आपका? देखिए, आप धैर्य बनाए रखिए, हमारी टीम फिर से उस पर काम कर रही है, ठीक है, हम लोग फिर से उसको आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारी एक टीम उस पर लग चुकी है। हालांकि हम लोग काउंसलिंग में भी बिजी हैं, पर हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं एक साइड बाय साइड, और हमारा कोर्स जो होगा वो अगस्त में, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में लॉन्च होगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको बेल नोटिफिकेशन जो होता है बेल आइकन दबा लीजिए,
ताकि हम अगस्त में जब नोटिफिकेशन डालेंगे, वीडियो डालेंगे कि हमारा कोर्स चालू हो गया है, तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगस्त तक वेट करिए। अगस्त में मोस्ट प्रोबेबली हम आपके लिए कोर्स लेके आएंगे, बहुत ही धमाकेदार एकदम तरीके से लाएंगे, और आप हमारे साथ साल भर जुड़ के तैयारी करेंगे उसके साथ। फिर अगला क्वेश्चन जो है, सर मैं कहीं और से बीए या बीएससी कर रहा हूं, क्या मैं बीएचयू ले लूं? देखिए, ये सवाल तो पहली बात आपकी मनोदशा पे डिपेंड करता है, मतलब आपकी साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। हालांकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। देखिए, बीएचयू एनआईआरएफ रैंकिंग में थर्ड आई है, मतलब इंडिया की थर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वर्ल्ड की भी नामी जामी यूनिवर्सिटी है। तो बीएचयू में अगर आप पढ़ रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, नो डाउट आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, अच्छा एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। ठीक है, जो आपको कहीं और की कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में नहीं मिल पाएगी, कोई रीजनल कॉलेज या स्टेट यूनिवर्सिटीज में नहीं मिल पाएगी। तो अगर आपका यहाँ हो जाता है, ठीक है, मेन कैंपस में, तो जरूर ही मेरी सलाह जरूर ले लीजिए। ठीक है, अगर आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं, मतलब आपका नहीं हो पाया, तो आप सोच रहे ड्रॉप आउट करें या नहीं, इस पर हम वीडियो बनाए कि सर क्या मुझे ड्रॉप आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो लेके जरूर आएंगे। ठीक है, अगर क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप जरूर कमेंट करें। अगर ज्यादा बच्चे उस पर कमेंट करेंगे कि सर मेरा ड्रॉप आउट लेने का मन है, मैं लूं या नहीं लूं, मेरे कम मार्क्स आ गए इस साल, तो ठीक है, तो हम उस पर वीडियो लाएंगे। तो मेरी यही सलाह है कि अगर आप कहीं से बीएससी कर रहे हैं और आपका बीएचयू में हो गया या फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, तो अगर आपको लगता है कि आपको बीएससी ही करना, वो कोर्स पढ़ना है, वही कोर्स पढ़ना है, अगर आप ऐसे ही कोर्स वो कर रहे हैं बस ऐसे ही, तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप वहीं से करिए स्टेट यूनिवर्सिटीज में या रीजनल। लेकिन अगर आपको लगता है वो कोर्स आपको पढ़ना है, आपको कुछ उससे करना है आगे लाइफ में, तो आप जरूर बीएचयू आइए। यहाँ आपको एक्सपोजर मिलेगा, यहाँ आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, यहाँ आपके आगे हायर लेवल में प्लेसमेंट्स होती हैं, यहाँ आपको अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे लैब मिलेंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज है बीएचयू की। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का कि सर क्या हॉस्टल कब कंफर्म होगा, मेरा इतना इंडेक्स है, मेरा इतना इंडेक्स है। देखिए, हॉस्टल तभी कंफर्म होगा जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा। ठीक है, तो जैसे आपका एडमिशन कंफर्म, जब आप वहां जाएंगे तो वहां आपसे पूछा जाता है कि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं, जब वहां काउंसलिंग कराने, तो वहां टिक करवा दीजिए हाँ लेना चाहते हैं। ठीक, तो जैसे आपको उसी दिन पता चल जाएगा शाम तक या अगले दिन सुबह तक कि आपको कोर्स मिला कि नहीं मिला। ठीक है, जैसे ही कोर्स मिल जाएगा आप 24 घंटे के अंदर फीस जमा करेंगे, फिर आपको कुछ दिन तक उसमें वेट करना होता है हॉस्टल मिलने का। आप ही के पोर्टल पे एक हॉस्टल का अलग टैब बन के आ जाएगा कि आपको हॉस्टल मिल गया है। तो एडमिशन होने के बाद हॉस्टल मिलता है, ये बात, एडमिशन के टाइम ही नहीं आपको हॉस्टल मिलता है, एडमिशन होने के बाद हॉस्टल मिलता है, ये आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थी इस आपके सारे डाउट, लगभग लगभग हर चीज काउंसलिंग से रिलेटेड और इस एंट्रेंस से रिलेटेड आपका लगभग लगभग सभी क्लियर हो गया होगा, मुझे आशा करता हूं ये मैं। ठीक है, अगर और भी कोई डाउट है, जेन्युइन डाउट है अगर, आप तो उसे कमेंट करिए, हम उसके ऊपर जरूर वीडियो लाएंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। रूम ले लो आपके अकोमोडेशन का साथी। जी हाँ, अगर आपको भी हॉस्टल नहीं मिला है तो आप www.roomlelo.in पे जाएं और रूम संबंधित सारी समस्याओं का निजात पाएं।